तो गाइस आप देख सकते हैं इतने बड़े तसले से अब तक चार तसले मिट्टी और गोबर इनमें भर चुका हूँ और ये पांचवा है। हे गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैं कल बहुत सारे गमले लेकर आया था और उसमें सब में पेड़ लगाना है क्योंकि पेड़ों को काफ़ी दिन हो गया लिए हुए, थोड़ा गमले बनाने में लेट हो गया, कहीं ऐसा ना हो पेड़ ख़राब हो जाएं। तो आज सारे गमलों में पेड़ लगा के डन करना है, तो आज बहुत मेहनत पड़ने वाली है। मेरे साथ में प्रियांशु भी रहेगा, वो भी मेरी हेल्प करेगा और उसे भी काम सीखना है क्योंकि बच्चों को भी छोटे मोटे काम सिखाते रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम मिट्टी लाएंगे, फिर गोबर लाएंगे और दोनों को मिक्स करके एक एक करके सब में पेड़ लगाएंगे। तो अभी हम खेत में जा रहे हैं मिट्टी लाने, प्रियांशु रेडी हो चुका है। अब मिट्टी कहाँ से खोदी जाए, पूरे में बरसीम है, गेहूं है, तो कहीं एक कोने से तो खोदनी पड़ेगी। कहाँ से खोदें? चलो उधर ऊंचे वाले कोने में चलते हैं। चल आगे से। तो वो उधर ऊंचा कोना है, वहाँ पानी भी नहीं लगता है, तो हम वहीं से मिट्टी खोदेंगे। वो कोने पे चल, वहीं पर हाँ बरसीम कटी है वहाँ पे, वो वाले कोने पे, वो वाले और उधर। हाँ 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 यहीं से ले ले थोड़ा। हाँ ठीक ठीक। और ये देख सकते हैं ये है हमारा गेहूं का खेत, और गेहूं में तीन बार घास की दवाई डाली लेकिन फिर भी घास नहीं मरा है। देखिए पूरा घास ही घास दिख रहा है गेहूं से ऊंचा। ला तू ला, मैं मारता हूँ, मैं करता हूँ। तो मैं इसको पहले जगह बना कर देता हूँ। थोड़ा मेहनत का काम है लेकिन मेहनत से क्या डरना। काफ़ी सालों से फावड़ा चलाना छोड़ दिया है तो जल्दी सांस फूल जा रही है। पहले तो लगातार फावड़ा चलाता था लेकिन अभी थोड़ा छोड़ दिया है। अरे ऐसे को चला। कान में मिट्टी चली गई है, थोड़ा सा कान में चले गई है मिट्टी, भी ज़्यादा भर दिया तसला। चलो गोबर लेके आते हैं। तो गाइस यहाँ से ले जाएंगे हम गोबर, इस साइड को बिल्कुल पका हुआ गोबर है, एकदम एकदम मलाई की तरह हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा गोबर हो रहा है, इसमें कीड़े सांप तो नहीं है। तो गाइस मिट्टी भी आ चुकी है और गोबर भी आ चुका है, तो अब हम इसमें 60% मिट्टी मिलाएंगे और 30% गोबर की खाद। बड़े तसला ले लिया है, इसमें अब गोबर और मिट्टी का मिक्सचर बनाएंगे। मिक्सर हो चुका है तैयार और अब इसको गमले में डाल के पेड़ लगाएंगे।
ये है हमारे पेड़, ये हमने इधर मिट्टी में दबा के रखे हुए हैं ताकि ये सूखे ना, तो अभी निकालते हैं इनको। ये देखिए, ये है पेड़, काफ़ी दिन हो गए, थोड़ा सा पीले पड़ गए हैं ये, इनको लगाएंगे। चलो चलते हैं। गर्मी बहुत है, पसीना निकलने लगा। एक तसले मिट्टी और एक तसले गोबर में मात्र 3 गमलों के लिए मिट्टी हो पाई, तो अभी और जाना पड़ेगा खेत में मिट्टी लाने। एक तसला गोबर और एक तसला मिट्टी और लेके आएंगे, कम से कम 4-5 तसले मिट्टी और गोबर लगने वाली है। तो इस बार अब प्रियांशु ही खोदेगा और वही लेके आएगा और वही गमलों में डालेगा, वही फूल लगाएगा। तो फिर से हम जा रहे हैं खेत में मिट्टी लाने। पसीना भी निकल चुका है मेरा, क्योंकि गर्मी भी हो रही है अच्छी खासी। हरियाली तो क्या मस्त है चारों तरफ, देख सकते हैं एकदम शानदार हरियाली। गांव के जीवन का बस यही मज़ा है कि हरियाली देखकर मूड फ्रेश हो जाता है एकदम। तो अभी ये प्रियांशु खोदेगा और यही इस तसले को भरेगा और यही लेके जाएगा। ये घास हटाओ, घास घास, देख सकते हैं हम घर से थोड़ी दूरी पर ही आए हैं हम। शाबाश, पहलवान बनना है भैया इसको भी, नहीं तो पहलवान बनेगा। तसला उठा लिया इसने आराम से। चल इसको रख के अब वो लेके आ गोबर। तो अब हम फिर से जा रहे हैं गोबर लेने। गोबर भी कोई कमी नहीं हमारे पास, सारे तरह का गोबर है, कच्चा पक्का एकदम। अरे बुरादा निकाल, बुरादा बुरादा ले ले मत निकाल। अरे नीचे क्यों खोद रहा है, साइडों में से खोद। हाँ ये हल्के हल्के बस भर 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 भर। ये ले जा रहे हैं गोबर की टोकरी। चल उसमें डाल ये। नीचे गोबर डाल, नीचे गोबर डाल, ऊपर मिट्टी डाल। उल्टा उठा डाल, डाल। ला मैं करता हूँ मिक्स, तेज़ नहीं हो पाला, हो जाएगा तब फिर। तो ये अभी थोड़ा बच्चा ही है, इससे सही से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। मिट्टी लाकर दोबारा इसका मिक्सर बना रहा हूँ, क्योंकि प्रियांशु से हो नहीं पा रहा है। कोशिश की उसने, लेकिन अभी छोटा है वो। ये पेड़ हमने घर में ही आया था, पेड़ बेचने वाला, तो उससे ले लिए थे काफ़ी सारे। अब तो मैं इनका नाम भी भूल चुका हूँ, एक आध तो पहचान में आ रहे हैं, बाकी अब पहचान में नहीं आ रहे। जब फूल आएंगे तभी पता चलेगा कि गाय के पेड़ है। तो गाइस आप देख सकते हैं इतने बड़े तसले से अब तक 4 तसले मिट्टी और गोबर इनमें भर चुका हूँ, और ये 5वां है। और अब इससे हो जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि पेड़ भी एक ही बचा हुआ है, गमले तो अभी हैं 1, 2, 3, 4, 5 गमले हैं, लेकिन पेड़ अभी एक ही है। जो बच जाएंगे उनमें बाद में लगाएंगे। ऐसा अब गर्मी से हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, और प्यास भी बड़ी तेज़ लग गई है, क्योंकि थोड़ा मेहनत का काम है फावड़ा चलाना। तो गाइस आखिरकार सारे गमलों में मिट्टी भर दी है और पेड़ भी लग चुके हैं, आप देख सकते हैं पीछे। और मेरा भी अच्छा खासा पसीना निकल गया है, पूरा भीग चुका हूँ लगभग पसीने से, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। और गर्मी अब आई गई है, मार्च चला गया है, अप्रैल आ गया है, तो गर्मी पड़नी भी है ही। और प्यास भी लग गई है, प्रियांशु गया पानी लेने, और अभी मैं अब इनको पानी भर के इनको लगाऊंगा दीवार के किनारे किनारे एकदम,
अभी है थोड़ा काम। ये है गमले, इसमें तो पेड़ हुआ हुआ ही नहीं, इसके लिए पेड़ ख़त्म हो गए हैं, बाकी में सब में लगा दिए हैं। चार गमले अभी और बच गए हैं, अभी इनमें आकर लाकर दोबारा लगाएंगे। तो गाइस प्रियांशु पानी लेकर आ गया है और अब मैं पानी पीऊँगा, क्योंकि बहुत तेज़ प्यास लग चुकी है, बहुत मेहनत हो गई है। तो गाइस हो चुका है मेरा काम फिनिश, गमले लगा दिए हैं, देखिए दीवार के किनारे किनारे लगा दिए हैं, देख सकते हैं पीछे तक। अभी पानी डालना रह गया है और अब मैं डालूँगा पानी, पानी डालता हूँ। तो गाइस पानी भी काफ़ी लग रहा है इसमें, क्योंकि गमले जो है काफ़ी बड़े बड़े हैं और अभी ताज़ी ताज़ी मिट्टी है। तो गाइस मेरा काम फिलहाल ख़त्म हो चुका है, देख सकते हैं गमले लगा दिए हैं दीवार के किनारे किनारे और पानी भी डाल दिया है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।